मथुरा सदर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एनसीसी कैंप कार्यालय पर जूनियर डिवीजन के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग के माध्यम से परीक्षा दिलाई गई और परीक्षा के बाद पास हुए छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। हम आपको बता दें कि विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों में 2 साल ट्रेनिंग दिलाई जाती है। लीडिंग पोजीशन कैसे होती है? हथियार उठाओ, इसी लीडिंग पोजीशन में फायर करो कंधे पे। लीडिंग पोजीशन में सामने देखो, राहुल को कॉक करो कंधे पे, लो इस वाले गुद्दे में जहाँ पे मिलाओ राहुल को। और वो क्या है ना, हर चीज में अंतर होता है ना, वीर प्राप्त होकर। हाँ नीता बताओ। हाँ दिनेश। और 2 साल पूरे होने के बाद ट्रेनर बच्चों को एनसीसी के कैंप कार्यालय परीक्षा देने के लिए भेज दिया जाता है, जहां छात्र छात्राओं को फील्ड कफ्ट, बैटल कफ्ट, हथियार चलाना और परेड कराकर उनकी परीक्षा ली जाती है। वहीं बैंपस और मैप की भी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पास होने वाले छात्र छात्राओं को प्रथम प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मथुरा के एनसीसी कैंप कार्यालय पर परीक्षा देने के लिए दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी सेवकता निभाई और सभी छात्र छात्राओं ने ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी परीक्षा दी। के साथ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो आज का जो अपना इम्तिहान हमारा चल रहा है, ए सर्टिफिकेट एग्जाम, ये एनसीसी में जो जूनियर डिवीजन के जो कैडेट होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका जो स्कूल में जो जितने भी अपना एनरोल्ड होते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये ए सर्टिफिकेट एग्जाम देते हैं। इसका रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होता है, एक तो उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और एक उन्होंने कैंप अटेंड करना है। उसके करने के बाद ये आज का दिन का पूरा है, 3 घंटे का रिटर्न एग्जाम चला था जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चला है और उसके बाद अभी इनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है और ये आज पूरे दिन की कार्रवाई है। और मेरा 10 बटालियन एनसीसी जो है मथुरा में, मेरे पास तकरीबन 66 बच्चे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि आज ये सर्टिफिकेट एग्जाम है। थैंक यू।